नमस्कार राधे राधे। मैं माया, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और अभी शाम का टाइम है और अभी जा रही हूँ पूजा करने, और फिर इसके बाद ही चाय वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग आ जाते हैं ट्यूशन से, कोचिंग, सब कोई इकट्ठा हो जाते हैं, तभी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ। और अभी हमारे मिस्टर जी गए थे मार्केट, तो वहाँ से कुछ सामान ले आए हैं, मतलब आते आते कुछ लेकर आए हैं। और देखिए, मैंने फुल बाहें की आज ब्लाउज पहनी है, क्योंकि ठंड रहता है ना, तो यदि हम स्वेटर उतार भी दिए तो हमारा ये काम करता है, इनर का काम कर देता है। तो देखिए क्या क्या लेके आए हैं। और मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए। और मैंने ये कान के वाले बूंदे डाले हैं, कह कि मैंने कुछ रील मैंने पोस्ट किए थे ना, तो जैसे ही थी जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग कर दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही, कुछ पतिदेव जी लाए हैं और बच्चों को बड़ा ही मन कर रहा है भाई, क्या सर्दियों के मौसम में जो आता है क्या गाजर। तो अभी हमारे यहाँ गाजर का हलवा नहीं बना था, ये देखिए। तो यहाँ पे ये गाजर है, 1.25 किलो गाजर है। और यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन, मैं सारे यहाँ पे सेट कर देती हूँ, और बर्तन की जो जाली होती है वो खाली हो जाती है। तो ये जो जाली है ना, तो अभी खाली रखी है, और इसको फिर हम साइड में रख देते हैं, साइड में। और आज की सब्जी में पता नहीं क्या बनाने वाली हैं, कुछ भी अभी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जियों में अभी बैंगन भी रखा है। और ये देखिए यार, मैंने कल कंगन बर्तन धो रही थी ना, मैंने कंगन को निकाल दिया था, तो ये देखो कहाँ पे डाल दिया बच्चों लोगों ने। यहाँ पे आलू भी रखा है, टमाटर है, टमाटर तो ये देखिए टमाटर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब टमाटर ये लेके आए हैं ना, तो टमाटर हमें कितना मतलब 3 किलो का हिसाब से। और अभी हमें बनाना है क्या, मैंने तिली भी धोया है, तो तिली की चिक्की भी बनाना है, सॉरी बनाया नहीं है, अभी बनाना है लेकिन अभी हमने बनाया नहीं है। और चलिए दिखाते हैं अभी क्या क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पे गाजर है, तो गाजर तो मैंने यहीं पे ले लिया था, वो एक आंटी आती है ना बेचने के लिए, ठेले वाले आते हैं, उन्हीं से लिया था। और यहाँ पे देखिए पति देव जी क्या क्या लेकर आए हैं, बैक कैमरा करके दिखा रही। और ये देखिए काजल फैल गया, शायद फैल गया, लेकिन फैल जाता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुबह तक में काजल का रंग और भी बढ़िया हो जाता है। ये देखिए खोया लेके आए हैं, ये देखिए यहाँ पे खोया है, तो 1 किलो है खोया। तो और मैं गाजर के हलवे में डालूंगी, और इसका फिर मैं रसगुल्ला बना लूंगी। और यहाँ पे ये देखिए ऑरेंज आ गया है, जो हमारा विंटर का फ्रूट है। और यहाँ पे ये है लीची, तो ये सब मैं अभी निकाल कर रख दूंगी। और जो भी सीजन का फ्रूट होता है, सीजन में सब्जियाँ आती हैं, फल आते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ज़रूर खाइए, थोड़ा खाइए, कम खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। यदि पसंद नहीं है फिर भी इसको थोड़ा सा तो खाइए, क्योंकि हमें जो पसंद नहीं होता फिर भी हमें करना पड़ता है ना, तो इसलिए खाना ज़रूरी है भाई। विंटर के हिसाब से मतलब जो मौसमी फल होते हैं, मौसमी सब्जियां होती हैं, जरूर खानी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमें आजकल मेथी पसंद नहीं होती, लेकिन मेथी भी हमें खानी चाहिए, मेथी के तो भैया बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। और क्या करूँगी, जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर गाजर वगैरह है तो उनको धुल के सब रख देती हूँ, उनको गोड़ लेती हूँ, गोड़ के बनाऊँगी, नहीं तो एक और हमारे पास उपाय है उससे बन जाता है, और खोबा का रसगुल्ला भी बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम गाजर कट कर रहे हैं, बनाना है गाजर का हलवा। तो यहीं पे हम आग भी ताप रहे हैं, और यहीं पे दोनों काम हमारा होता जा रहा है। तो गाजर को कट कर ले रहे हैं, और फिर अभी जाएंगे तो धीरे हमारा दोनों काम हो गया बैठे बैठे। यहाँ पे हाथ भी सकते जा रहे हैं, ठंड है, हो गया।